हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूकोल में। मेरा नाम है अंजलि मिश्रा। आइए, चैप्टर 4 जो है अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके बाकी टॉपिक्स कवर करते हैं। आई होप पिछला वीडियो जहाँ पर हमने अकरेंस ऑफ कार्बन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में कवर किया है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बाय कवरिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि आप लोग टाइटल में ही देख सकते हो, यहाँ पर कहा गया है कि हाइड्रोकार्बन्स की दो वैरायटी होने वाली है, एक जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरी वैरायटी जिसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो पहले आइए देखते हैं कि हम डिफाइन कैसे करेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को। सो बच्चों, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को डिफाइन करने का बहुत आसान तरीका है। नाम क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें डेफिनेटली हाइड्रोजन और कार्बन एटम रहने वाले हैं। तो इन्हीं दो वर्ड्स को हम पकड़ के हाइड्रोकार्बन को डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। अब आते हैं इसकी वेराइटीज में। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन होने वाले हैं बच्चों? थ्रू आउट द स्ट्रक्चर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम तो हमें नजर आएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है बच्चों कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में सिर्फ और सिर्फ हमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आने वाले हैं, जैसा कि हमने हाइड्रोजन के केस में देखा है, फ्लोरीन के केस में देखा है, क्लोरीन के केस में देखा है, एक्सेट्रा। सो आइए आप लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन नोट डाउन करें एंड देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन नोट डाउन करें, जो है आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल हमारे पास हैं वो सारे ही कंपाउंड्स जिनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होने वाला है कार्बन एटम में और जिनका नाम ए एन ई से एंड होने वाला है। अब हिंट हमें पहले ही मिल गया बच्चों कि वो कंपाउंड जिनके नाम ए एन ई से एंड होंगे वो डेफिनेटली एल्केन ग्रुप के कंपाउंड्स होंगे, यानी कि यहाँ पर हमें बात करनी है मीथेन की, ईथेन की, प्रोपेन की, ब्यूटेन की, पेंटेन की एंड सो ऑन। बट फॉर क्लास 10th आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही कार्बन कंपाउंड्स के साथ डील करना है जिनके पास लाइक मैक्सिमम 5 कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर में हमारे पास है मीथेन एंड ईथेन, मींस द फर्स्ट एंड द सेकंड कंपाउंड ऑफ एल्केन ग्रुप। मीथेन विल डेफिनेटली हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, और इथेन का कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? जस्ट इंक्रीज कार्बन एटम बाय 1 एंड हाइड्रोजन एटम बाय 2। सो यहाँ पर कार्बन एटम को प्लेस कर दीजिए, ग्रेजुअली हाइड्रोजन एटम को प्लेस कर दीजिए, दैट्स इट। यहाँ पर दो कार्बन एटम को प्लेस करिए इन अ सिंगल लाइन एंड देन उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन एटम प्लेस कर सकते हैं। सो दिस शोज कि थ्रू आउट द स्ट्रक्चर तो हमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ही मिल रहे हैं, देयरफॉर दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों और पढ़ते हैं अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या है? सैचुरेटेड में सिर्फ हमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहे थे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे कि जो कार्बन एटम है अपने स्ट्रक्चर में डबल एज वेल एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाकर दिखाएगा। और एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? हमारे पास एग्जाम्पल्स के तौर पर दिया गया है एल्कीन और अल्काइन को। अब एल्कीन क्या है? इट्स दैट ग्रुप वेयर कार्बन एटम्स हैव डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड देन नेम स्टार्ट एंड्स विद ई एन ई। तो मीथेन में क्या था, हमने देखा हर कंपाउंड का नाम, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो। अच्छा बच्चों, एक काम कर लेते हैं, आप लोग नोट डाउन करें
कि डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना किसी कंपाउंड में, हम उनका नाम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एक कार्बन एटम है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, एंड देन कौन से ग्रुप का है। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है डेफिनेटली एल्केन है, तो यहाँ आप लोग ए एन ई अटैच कर दो। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड की नजर आ रहा है तो ई एन ई अटैच कर दो, ट्रिपल कोवेलेंट नजर आ रहा है तो वाई एन ई अटैच कर दो। तो दैट इज हाउ जो इनिशियल्स हैं वो तो हमेशा यही रहेंगे, बिकॉज ये डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एंड देन जो रिमेनिंग पोर्शन है वो फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करता है। तो दैट इज वन सच थिंग विच विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। अब हम एल्कीन्स पर वापस आते हैं बच्चों। एल्कीन्स के बारे में अगर हम बात करें, दीज कंपाउंड्स विल हैव डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड देयर नेम विल एंड विद ई एन ई। सो अगर पहले कंपाउंड की बात करें, हमेशा याद रखिएगा एल्कीन ग्रुप में मेथीन नाम का कोई कंपाउंड नहीं रहता है, वो हमेशा स्टार्ट होता है ईथीन से, विच इज C2H4। सो सी डबल बॉन्ड सी रहेगा बिकॉज ईथीन ग्रुप का कंपाउंड है, एंड देन फोर हाइड्रोजन एटम्स आप प्लेस करते हो सकते हो एज पर दी वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आई एम सॉरी कार्बन एटम। यहाँ पर वी हैव प्रोप ई, सो फर्स्ट प्लेस यू थ्री हाइड्रोजन एटम्स लाइक दिस। कहीं पर भी या तो शुरुआत में डबल बॉन्ड प्लेस कर सकते हो या एंड में डबल बॉन्ड प्लेस कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पर उन्होंने प्लेस नहीं किया है, तो आप काउंट करो। देखो पहले कार्बन, इसे कार्बन वन, इसे कार्बन टू और इसे कार्बन थ्री बुलाते हैं। कार्बन वन में देखिए वैलेंसी फोर है, देयरफॉर फोर बॉन्ड्स बना सकता है, ऑलरेडी फोर बॉन्ड्स बन चुके हैं। सेकेंड में वन टू एंड थ्री बॉन्ड्स ही हैं, और तीसरे में भी वन टू एंड थ्री बॉन्ड्स है, तो आइए यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्लेस कर देते हैं, सो दैट ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए। ठीक है, आइए एल्काइन की तरफ चलते हैं, विच इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्काइन्स के लिए बच्चों हम कहेंगे दे हैव अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम एंड देयर नेम एंड विथ आइन। ठीक है, सो पहला कंपाउंड जो एल्काइन ग्रुप का होने वाला है वो होगा C2H2। सो C2H2 यानी दो कार्बन एटम प्लेस करिए। सिंस दो ही कार्बन एटम है तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम के बीच में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमें इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ प्लेस करें, एंड देन अपने हाइड्रोजन एटम्स आप प्लेस कर दीजिए। प्रोपाइन के केस में फर्स्ट प्लेस योर कार्बन एटम एंड देन इट्स योर चॉइस कि फर्स्ट और सेकेंड कार्बन एटम के बीच में आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सेम चीज ड्रॉ करूँ, तो देखिए स्टूडेंट्स अगर मैंने वन टू एंड थ्री ड्रॉ किया, अब मेरा मन है कि मैं यहाँ पर थ्री कार्बन एटम प्लेस करूँ, तो मुझे अब पता है कि कार्बन एटम की वैलेंसी फोर है जिसमें से थ्री ऑलरेडी कंप्लीट है, तो मैं यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच करूंगी जबकि स्ट्रक्चर में है मेरे पास फोर। सेकेंड कार्बन एटम में आऊंगी, देखिए थ्री फोर ऑलरेडी स्टेबल है, तो रिमेनिंग थ्री हाइड्रोजन एटम हम फर्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच कर देंगे। बट इसको हम अदरवाइज भी ड्रॉ कर सकते हैं, पहले और दूसरे कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड डाल दीजिए। सो सिंस पहला कार्बन एटम ऑलरेडी थ्री बॉन्ड्स बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर दीजिए। सेकेंड कार्बन एटम दोनों ही केसेस में स्टेबल है, बिकॉज देखिए वन टू थ्री एंड फोर्थ, तो जो फोर्थ कार्बन एटम है उससे, आई मीन जो थर्ड कार्बन एटम है उससे आप रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम्स अटैच कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन फॉर्म अ स्टेबल अल्काइन कंपाउंड। ये तो बात हो गई सैचुरेटेड अन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की। अब बात करते हैं हम आइसोमेरिज की, तो आइए देखते हैं कि हम इन्हें डिफाइन कैसे करेंगे। सो बच्चों क्या होता है कि कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहने वाला है। जैसे अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं, विच इज C4H10,
हमेशा ये सेम रहने वाला है, बट हम स्ट्रक्चर में कार्बन एटम को कैसे अरेंज करने वाले हैं ये डिफर कर सकता है। जैसे कि स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास C4H10 है, तो हमने पहले कार्बन एटम्स प्लेस किए 1, 2, 3 and 4, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स हमने ग्रेजुअली हाइड्रोजन एटम्स अटैच कर दिए इन अ सिंगल लाइन। सो यहाँ पर कार्बन एटम एक सिंगल लाइन में है तो हम कहेंगे इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल ब्यूटेन। बट अगर हमारे मन में एक पल के लिए आए कि क्यों ना हम इस ग्रुप को, इस वाले ग्रुप ऑफ एटम को इस हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दे, तो एक्सचेंज कर दे, तो आइए सेकेंड स्ट्रक्चर में इस हाइड्रोजन एटम को हमने यहाँ प्लेस कर दिया और CH3 को यहाँ प्लेस कर दिया, इवन दो नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम अभी भी सेम है, बट सिंस यहाँ पर एक मिथाइल की ब्रांच अटैच हो गई है, अब हम इसे बुलाएंगे आइसोब्यूटेन। समझ गए आप लोग कि आइसोमर्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स, या फिर ज्यादा अच्छे से कहें दीज आर द कार्बन कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट वुड बी आइसोमर्स। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो बच्चों हमारे पास है पेंटेन। अब पेंटेन में क्या है, they have said it has got 3 isomers, कौन कौन से, normal pentane, isopentane and neopentane. So normal pentane के लिए it would be like सारे कार्बन एटम्स को इन अ सिंगल लाइन अटैच कर दीजिए, दैट इज 1, 2, 3, 4 and 5, एंड देन उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन एटम्स अटैच कर दीजिए। फर्स्ट सिचुएशन में हम एक CH3 को उठाएंगे एंड किसी भी एक हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर देंगे, तो हाइड्रोजन एटम यहाँ आ जाएगा और ये CH3 ग्रुप टॉप में चला जाएगा, इन दैट केस हम इसे बुलाएंगे आइसोपेंटेन। बट अगर हम चाहें तो इस इस मिथाइल ग्रुप को भी नीचे वाले हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर सकते हैं, करेक्ट। तो आप लोग यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए कि हमने दो ब्रांचेस बनाई हैं ऑफ मिथाइल, देयरफॉर नाउ दिस कंपाउंड वुड बी कॉल्ड एज नियोपेंटेन, ऑल्दो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल ऑलवेज रिमेन द सेम, बट स्ट्रक्चर वाइज हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफर, and this is what is called as isomers. अब आइए functional groups के बारे में हम बात करेंगे। So students, functional group क्या है, हम functional group को define करते हैं by saying that it can be an atom or a group of atom. यहाँ पर देखिए definition है, it can be an atom or a group of atom which decides the properties of कार्बन कंपाउंड, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। सो अगर हम हेलाइड के बारे में बात करें, हेलाइड मीन्स हेलो ग्रुप, जहां पर उस पूरे कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को प्लेस करने के बाद हम कोई भी एक हेलोजन एलिमेंट अटैच कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर है CH3Cl, सो दिस इज क्लोरोमीथेन। अब ये फॉर्म कैसे होगा, अगर हम देखें शायद मीथेन रहा हो और जब इस मीथेन ने क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट किया हो, तो अगर हम ओरिजिनल मीथेन का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। बट मान लेते हैं कि क्योंकि अब क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करता है, शायद क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया हो, सो यहाँ पर दो क्लोरीन एटम ले लेते हैं। So, नया स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स, CH3Cl प्लस HCl। सो यहां पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस वुड बी कॉल्ड एज क्लोरोमीथेन, यानी ये है तो एक ऐसा कंपाउंड जहां पर थ्रू आउट द स्ट्रक्चर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, बट उसके बाद भी
हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन एटम के अलावा एक हेलोजन एलिमेंट है जो कि है फ्लोरीन। ये चेंज भी कर सकते हो आप, लाइक आप नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इंक्रीज कर सकते हो, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। सो एवरी सिंगल टाइम जिस भी हेलोजन एलिमेंट को आप ले रहे हो उसका नाम सबसे पहले मेंशन करोगे आप, एंड देन कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो आप उसके बाद में मेंशन करोगे। तो ये बात हो गई हेलो ग्रुप की। अब आइए एल्कोहल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एल्कोहल ग्रुप यानी वो फंक्शनल ग्रुप जो सिंबलाइज होता है OH से, जो कि हेलोजन ग्रुप सिंबलाइज होता है X से। X मीन्स यहाँ पर आप कोई भी हेलोजन एलिमेंट प्लेस कर सकते हो। सो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें ऑफ एल्कोहल ग्रुप, दैट इज CH3OH, तो अगर इस कंपाउंड को हमें नेम देना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है, सो इट वुड बी मेथ, बिकॉज ऑब्वियसली वन कार्बन एटम, बट इंस्टेड ऑफ एंडिंग विथ एन, नाउ दिस कंपाउंड विल एंड विथ ऑल बिकॉज इट बिलोंग्स टू एल्कोहल ग्रुप। समझ गए आप लोग कि मीथेन अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो हमारे पास सिर्फ जो चीज हम चेंज करने वाले हैं वो है इस ई को शिफ्ट करके ऑल अटैच करना, दैट्स इट। और स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे इस कंपाउंड का, सिंपलेस्ट है तो मैं पहले इसे डिस्क्राइब कर देती हूँ, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स एल्कोहल कंपाउंड मिल जाए तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। सो हमारे पास एक ही कार्बन एटम है तो हम इस कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे। हमेशा याद रखिए कार्बन एटम से ही फंक्शनल ग्रुप को अटैच कराना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी भी हाइड्रोजन एटम से या किसी दूसरे एलिमेंट से फंक्शनल ग्रुप को आप अटैच करा दो, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी ऑफ कार्बन आप लोग हाइड्रोजन एटम को प्लेस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हमेशा याद रखिए पहले हमें कार्बन एटम्स को, लाइक जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो उनको इन अ सिंगल लाइन प्लेस करना है, लाइक इन अ फॉर्म ऑफ चेन। देन टू द लास्ट कार्बन एटम यू हैव टू अटैच द फंक्शनल ग्रुप, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स यू कैन प्लेस हाइड्रोजन एटम्स। सो दैट इज हाउ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में क्या है, अगर CH3OH एल्कोहल था तो OH को आप लोग रिप्लेस कर दो बाई CH3CHO, दैट्स इट। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, CCHO एंड देन 3 हाइड्रोजन एटम्स, बट नॉमेनक्लेचर कैसा है, वन कार्बन एटम, देयरफॉर मीथेन अगर है एंड इफ दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू एल्कोहल ग्रुप, नाउ मीथेन विल बी कॉल्ड एज मेथेनल बिकॉज AL मीन्स दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू एल्डिहाइड ग्रुप। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एल्डिहाइड ग्रुप। अब आइए बात करते हैं अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात करें, अगर हमारे पास है मान लेते हैं CH3CHO जो कि एक एल्डिहाइड कंपाउंड है, CHO को आप सिंपली रिप्लेस कर दो बाई CH3COOH, दैट मीन्स कि अब ये कंपाउंड बिलोंग करता है टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, सी बीइंग अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप एंड देन H3, ठीक है, एंड देन इसको इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है स्टूडेंट्स। अगर मीथेन है एंड यू हैव टू शो दैट दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, रिप्लेस दिस ई बाई मेथेनोइक एसिड। लाइक मैंने हर बार एग्जांपल मीथेन का ही लिया है, आप लोग बाकी कंपाउंड्स के साथ भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट कंपाउंड। लाइक स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे चैप्टर के, हम ऑल दो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है ना सब कवर करेंगे। तो आप लोग इस बात से परेशान नहीं होना कि मैम ने सिर्फ एक-एक कंपाउंड का एग्जांपल दिया है थ्योरेटिकल पार्ट में। जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम डेफिनेटली एंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स और उनके नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे।
अब अगर कीटोन की बात आती है बच्चों, तो कीटोन मीन्स अ फंक्शनल ग्रुप दैट इज रिप्रेजेंटेड एज CO. द कंपाउंड नेम विल एंड विद ONE. सो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, इट इज CH3COCH3. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर? 1, 2, and 3, दैट इज प्रो. एन अगर ये एल्केन ग्रुप का कंपाउंड होता तो नाउ रिप्लेस दिस ई बाई प्रोपेना. सो दिस शोज दैट नाउ दिस कंपाउंड डेफिनेटली बिलोंग्स टू कीटोन ग्रुप. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड अबाउट ऑल द फंक्शनल ग्रुप. आई विल रिपीट दिस थिंग वन मोर टाइम. नंबर वन इज हेलो ग्रुप विच इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स. यू कैन यूज एनी हेलोजन एलिमेंट हियर. Then if we talk about alcohol, OH is the functional group represented by OL. Here compounds are represented by AN. Aldehyde's functional group is CHO. Name ends with L. Carboxylic acid functional group is COOH. Name ends with oic acid. Ketone has got their functional group as CO. So their name will be ending with 1. So students, this was all about different functional group. Next slide ki taraf chalte hain. Okay, here we go. Students, next slide is all about homologous series. Now let's just talk about how we can define homologous series. स्टूडेंट्स अगर हम होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन की बात करें, वी विल बी डिफाइनिंग इट एज अ ग्रुप ऑफ कार्बन एटम वेयर दे विल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हुज सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन एटम दैट इज CH2 ग्रुप. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन. सो स्टूडेंट्स आप लोग फटाफट अपना नेक्स्ट टाइटल डालिए एज होमोलोगस सीरीज एंड देन इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लें आप लोग. अब आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, विच इज द एल्केन ग्रुप. एल्केन ग्रुप मींस इट्स जर्नल फॉर्मूला वुड बी लाइक CnH2n+2. नाउ दिस फॉर्मूला हैज अ लॉट टू से. स्टूडेंट्स दिस n ओवर हियर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम. So by any chance, if you know the number of carbon atom and you don't have any idea regarding the number of hydrogen atom which are there in a particular alkane compound, aap use easily calculate kar sakte ho. For example, hum kahe there is a compound which has 2 carbon atom. So aaiye is formula ko use karte hain. C2H2 multiplied by 2 plus 2. So that would be C2 and H6. 2 means eth, and then since throughout the structure there will be single covalent bond, it will definitely be ending with A. So this is how we can calculate number of hydrogen atom if we know number of carbon atoms of alkane group. Structure वैसा ही है. We first have to place all the carbon atoms. Example के तौर पर चलिए pentane लेते हैं, which is like C5H12. Whenever we have to draw a structure, first place all the carbon atoms in a single line, and then depending upon the valency of carbon atom, you have to attach your all hydrogen atoms. So here we go. So this is how you have to draw structure of all the compounds that belong to alkane group. Then the next most important thing about alkane group is, if you people will notice, every successive member
of this group differ by one carbon and two hydrogen atoms. For example, if we have C2H6, that is ethane, and we have C3H8, which is propane. There is a difference of one carbon and two hydrogen atoms. And bachcho, it's not just about alkane. This goes with alkene and alkynes as well. So there will always be a difference of one carbon and two hydrogen atoms. Moving on, now let's talk about alkenes. Alkenes will have their molecular formula as CnH2n. Their names always end with E. So students will be using this formula to find out number of hydrogen atoms. Let's just say 4 is the number of carbon atoms. So now it would be 2 multiplied by 4. So if C is 4, H will definitely be 8. So in case of alkenes, now, if you people don't want to remember this formula, that's completely fine. Just remember one line. The number of hydrogen atoms will always be twice as compared to that of number of carbon atoms. That's it. So we have ethene, propene, butene, pentene. Every single time, the successive number will differ by one carbon and two hydrogen atoms. Now, let's talk about the structure. We are now going to discuss how we can draw structure of butane. So we have four carbon atoms. Let's just place all the four carbon atoms in a line. Then it's up to us. Wherever we want to place the double bond, that's completely fine. So let's just place the double bond here. We have 8 hydrogen atoms. Carbon atom, okay, let's just name them as 1, 2, 3 and 4. So if the question says where we have placed the carbon atom, always say it's between carbon 3 and 4. Never say it's between 4 and 3. It's 3 and 4. We always have to include the lower number. So talking about placement of hydrogen atom, let's first place 3 hydrogen atom because this carbon already forms a covalent bond with carbon 2. So 1, 2 and 3. We have still 5 more hydrogen atoms to go. So second carbon atom is forming double covalent bond. Like 1-1 covalent bond, 2 covalent bonds with the adjacent carbon atoms. So let's just place 2 hydrogen atoms. Now talking about the third carbon atom, it has 1, 2, 3 covalent bond. So let's just make it 4 by adding one more hydrogen atom. So as far as now, we have placed 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogen atoms. But we still have 2 more to go. And this last carbon atom only forms a double covalent bond with carbon 3. So therefore, we'll attach the remaining 2 hydrogen atoms here. So that is it. This is how we have to place carbon atom. And talking about the nomenclature, since 4 carbon atoms are here, it would be bute, and then since it is having a double covalent bond, it will end with E-N-E. Okay, so this was all about alkene group, students. Now we'll be doing covering the last group of homologous series, which is the alkene group. So for alkene group, we can say its general formula is like CnH2n-2. So if you know the number of carbon atom, let's just say the number of carbon atom is 3. So to find out the number of hydrogen atom, your steps would be C3H2 multiplied by 3 minus 2, which would be like 6 minus 2, and hydrogen atom would be 4. So it's not just related to alkene. You can use general formulas of all the different groups of homologous series to find out the number of hydrogen atoms if you already know the number of carbon atoms. Now let's just draw its structure. We have C3H4. So we have 1, 2 and 3. It's alkyne, therefore there will be a double covalent bond. So
So we have placed double covalent bond between carbon 2 and 3. And we have 4 hydrogen atoms to place. So let's just start with carbon 1. It is forming a single covalent bond with carbon 2. So that means it can form 3 bonds with the first, like 3 covalent bond with the hydrogen atoms. Talking about the second carbon atom, it has like 1, 2, 3 and 4 covalent bond. That means it is already stable. So we'll attach that remaining hydrogen atom to carbon 3. So this is how we have to draw structure of a compound which has 3 carbon and 4 hydrogen atom. Now let's just name this compound. 3 carbon atom, that means prop, and triple bond means ion. So this compound will now be called as propyne. So with this, students, we have covered about alkene, alkene and alkyne. We have talked about their journal formula, how their name is going to end, how we have to find out number of hydrogen atoms if we know the number of carbon atoms, and then their structure. Moving on, we have our next segment, which is about chemical properties of carbon compounds. So students, since it's a new topic now, let's just cover the chemical properties of carbon compounds in a separate video. Because here we have talked about different functional group, homologous series, their structural formula, their molecular formula, their nomenclature. So let's just talk about chemical properties of carbon compounds in a separate video. Okay.